भविष्य हर कोई देखना चाहता है, आप भी, मैं भी, ये भी, वो भी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा हो रहा है क्योंकि आज हमारा हीरो फ्यूचर देखने वाला है और कैसे वो अपनी शक्ति से क्या क्या करता है, यही तो हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए स्वागत है दोस्तों आपका, वेलकम टू रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत की छोटी सी झलक दिखाई जाती है और उसके बाद एक कैफे में बैठा हुआ एक आदमी भी दिखाया जाता है। वो अपने घड़ी में देखता है कि 8:09 हो गए हैं। अब टाइम देखते ही वो पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखता है। कुछ सेकंड्स तक वो बाहर देखता रहता है लेकिन थोड़ी देर में निराश होकर बाहर निकल जाता है। अगले सीन में वही आदमी लॉस वेगस में है और वहाँ वो एक जादू दिखाने वाला है और फिर हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम क्राइस है। वो भविष्य में होने वाली हर चीज के बारे में पहले ही पता लगा लेता है। फिर क्राइस दर्शकों में से एक लड़की को बुलाता है और बोलता है जल्द ही इस लड़की का हार गिरने वाला है। अब जैसा क्राइस ने बोला बिल्कुल वैसा ही होता है। अब एक औरत और एक आदमी दर्शकों में बैठे क्राइस का शो देख रहे होते हैं। तभी आदमी पूछता है क्या तुम जो क्राइस के बारे में बता रही थी वो सच है? फिर शो खत्म होने के बाद क्राइस हमें बताता है कि मुझे जादू देखने के लिए ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते, इसलिए पैसे कमाने के लिए कभी कभी मुझको जुआ भी खेलना पड़ता है, लेकिन मैं छोटी बाजी लगाता हूँ ताकि मेरा टैलेंट किसी की नजरों में ना आए। वे हमको और भी बातें बोलता है जैसे कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, हाँ लेकिन मैं भविष्य जरूर देख सकता हूँ। लेकिन भविष्य में आने वाली कैफे वाली लड़की को मैंने बहुत समय पहले ही देख लिया था और वो अभी तक मुझको मिली नहीं। जब वो जुआ खेल रहा होता है तो वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि क्राइस उनका बुद्धू बना रहा है और उसी समय क्राइस ऊपर लगे कैमरे की तरफ देखता है। फिर कैमरे की तस्वीर में देख रहा एक आदमी बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे ये आदमी हमें सुन सकता है। अब जैसे ही वो लोग क्राइस को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजते हैं, क्राइस भी वहाँ से निकलने के लिए खड़ा हो जाता है। फिर वो अपने चिप्स के बदले में पैसे लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक चोर लूटने के मकसद से आता है और कैश देने वाली लड़कियों पर बंदूक तान देता है। फिर जैसे एक पुलिस वाला उसको रोकने की कोशिश करता है, तभी चोर पुलिस वाले के साथ साथ पैसे देने वाली लड़की को भी मार देता है। लेकिन असल में तो ऐसा हुआ भी नहीं है। चोर की बंदूक निकालने से पहले ही क्राइस उस चोर पर हमला कर देता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। दो गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और क्राइस को बोलते हैं अपने बंदूक नीचे गिरा दो। फिर क्राइस इस मुसीबत से बचने के लिए कैसीनो में भाग जाता है और गार्ड्स उसको ढूंढने लगते हैं। हालांकि जैसे कि हमारा क्राइस भविष्य में देख सकता है, इसलिए वो तो आराम से इधर उधर गार्ड से बचता हुआ घूमता रहता है। वो ऐसी चीजें करता रहता है जिससे सिक्योरिटी गार्ड्स उसको पकड़ ही नहीं पाते। अब सिक्योरिटी मैनेजर कैमरे से बैठा देख रहा होता है कि कैसे उसके आदमी क्राइस को पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब वो बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि उसके आदमी क्राइस के बिल्कुल आसपास घूम रहे हैं और फिर भी वो लोग क्राइस को पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्राइस कैसीनो से बाहर पहुंचकर एक गाड़ी को चुरा लेता है और पुलिस भी गाड़ियों में उसका पीछा करने लगती है। अब जैसा कि क्राइस पुलिस वालों को चकमा देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा करते हुए वो ट्रेन की पटरियों पर पहुंच जाता है और तभी एक ट्रेन उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। लेकिन एक बार दोबारा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। क्राइस को पता लग गया था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और उस ट्रेन से होने वाली टक्कर से बच जाता है। और ऐसा करने से पुलिस वाले भी उसका पीछा छोड़ देते हैं। इस सब के दौरान जादू वाले शो में बैठी कैली नाम की एक औरत, जो कि असल में एक FBI एजेंट है, वो कैसीनो में आई है। वो रिकॉर्डिंग में देख रही होती है कि कैसे क्राइस सभी मुसीबतों से बचकर निकल गया। फिर वो अपने एक FBI एजेंट से बोलती है क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि क्राइस ऐसे कैसे कर पाया। दूसरा एजेंट बोलता है मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, रशिया का 10 किलोटन का परमाणु बम गायब हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी एजेंट्स सिर्फ परमाणु बम का पता लगाने पर ध्यान दें। लेकिन कैली क्राइस के केस पर काम करने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि सर मुझे लगता है कि क्राइस हमारे काम का साबित हो सकता है। अब ये बात सुनकर दूसरा एजेंट क्राइस को पकड़ने के लिए 5 दिन का टाइम देता है। अब कैली कैसीनो की सुरक्षा करने वाले एक आदमी को अपने साथ लेके जाती है और वहाँ पर क्या क्या हुआ था इस बारे में पूछती है। फिर सिक्योरिटी का प्रमुख आदमी बताता है जब हम लोग क्राइस को कैमरे की मदद से देख रहे थे और उसकी बातें करने लगे थे, तभी क्राइस कैमरे की तरफ देखने लगा था जैसे वो हमको सुन पा रहा हो। अब इसको समझने के बाद कैली बोलती है कि क्राइस को ये देखने के लिए कि आप आगे क्या करने वाले हो, उसको बस अपने दिमाग में गुस्सा होता है। अब इस सब के बाद क्राइस को दिखा जाता है जो कि एक गैरेज में पहुंचता है। वहाँ क्राइस को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसको क्राइस $20,000 पकड़ाता है। इसको देखकर तो बूढ़ा आदमी बोलता है बेटा मैं तुम्हें ये पैसे कभी वापस नहीं कर पाऊंगा। दोनों बातें करने लगते हैं और बूढ़ा आदमी बोलता है तुम्हें उस कैफे वाली औरत को भूल जाना चाहिए जो तुम्हें बार बार अपने दिमाग में दिखाई देती है। लेकिन क्राइस बोलता है मैंने पहले ही उस लड़की को कैफे में 8:09 पर देखा था, इसीलिए मैं बार बार वहाँ पर जाऊँगा जब तक कि वो लड़की मुझे मिल नहीं जाती। अचानक क्राइस अपनी घड़ी में देखता है और उसको पता लगता है कि कैली वहाँ पर आ रही है। बूढ़ा आदमी क्राइस को भाग जाने को बोलता है, लेकिन क्राइस बोलता है मैं भागना नहीं चाहता, मैं देखना चाहता हूँ कि वह औरत मुझसे क्या बोलना चाहती है। कैली भी वहाँ पर आ जाती है और US में आए बॉम्ब के बारे में बताती है और पूछती है क्राइस क्या तुम समय में आगे देखकर बता सकते हो कि बॉम्ब कहाँ पर है। क्राइस बोलता है ये भविष्य में देखने का जादू एक ट्रिक है, मैं असलियत में भविष्य में नहीं देख सकता हूँ। लेकिन कैली उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और बोलती है अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो गाड़ी चुराने के जुर्म में तुम्हें जेल की सजा हो जाएगी।
धमकी के बाद भी क्राइस मदद के लिए मना कर देता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। हालांकि असलियत में कैली अभी तक गैरेज में नहीं आई है, ये सब क्राइस के दिमाग में दिख रहा था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाने का फैसला करता है। कैली भी वहाँ पर पहुँचती है लेकिन वो कुछ सेकेंड्स लेट हो जाती है। अब इस सब के दौरान एक आदमी और एक औरत दोनों मिलकर कैसीनो के सिक्योरिटी गार्ड को मारकर क्राइस की जानकारी निकाल रहे होते हैं। अगले दिन क्राइस दोबारा कैफे पहुँचता है और अपनी घड़ी में देखता है। जैसे ही घड़ी में 8:09 होते हैं तभी वो दरवाजे की तरफ देखता है, लेकिन अब की बार वो हैरान हो जाता है क्योंकि जिस औरत को उसने अपनी शक्तियों से देखा था वो आखिरकार आई गई है। अब क्राइस उस लड़की को जानना चाहता है, इसलिए जैसे ही वो लड़की बैठती है क्राइस उसके पास जाता है और बोलता है क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, लेकिन बेचारे को लड़की मना कर देती है। लेकिन एक बार दोबारा ये क्राइस के दिमाग का खेल है, इसलिए क्राइस दोबारा उठकर लड़की की तरफ जाता है। अब की बार क्राइस लड़की से कुछ और पूछता है, वो कॉफी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कॉफी बीन्स के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में लड़की बोलती है शायद आपको इस बारे में वेटर से पूछना चाहिए। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होता है और क्राइस एक बार और लड़की के पास जाता है और इस बार सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगता है, लेकिन लड़की बोलती है मैं सिगरेट नहीं पीती इसलिए मेरे पास लाइटर नहीं है। अब जैसे क्राइस लड़की के पास जाने के लिए चौथी बार उठने लगता है, लड़की तभी क्राइस को रोक देती है। क्राइस कुछ समय के लिए रुक जाता है और तभी कैंडल नाम का एक आदमी कैफे में आता है और उसी लड़की के पास जाता है। कैंडल उस लड़की को लिज नाम से बुलाता है और गुस्से में जबरदस्ती करते हुए बोलता है मुझे चीजों को पता लगाने के लिए कुछ और मिनट्स की जरूरत है। वो लिज का हाथ जोर से पकड़ता है और तभी लिज बोलती है ऐसा मत करो मुझे दर्द हो रहा है। तभी वहाँ कैंडल को रोकने के लिए अपना हीरो क्राइस आ जाता है। कैंडल क्राइस पर मुक्के चलाता है लेकिन क्राइस हर बार एक मुक्के से बच जाता है, लेकिन तभी लिज भी वहाँ से चली जाती है। दोबारा क्राइस कैंडल के पास जाता है लेकिन अब की बार वो कैंडल के मुक्के खा लेता है। मुक्के के बाद लिज कैंडल पर चिल्लाती है और वहाँ से चले जाने को बोलती है और फिर हमारे क्राइस की मदद करती है। अब दोनों बातें कर रहे होते हैं, क्राइस बोलता है मुझे फ्लैग स्टाफ जाना था लेकिन मेरी गाड़ी किसने चुरा ली है। इसके जवाब में लिज बोलती है अरे आप तो मेरे साथ चल सकते हो, मुझे भी उस तरफ ही जाना है। अब दोनों एक लंबे सफर पर साथ साथ निकलते हैं। इसके बाद कैली और उसका साथी भी कैफे में पहुंचते हैं जहां उनको पता चलता है कि क्राइस एक हफ्ते से रोज यहां पर आ रहा है। वो पूरे दिन में 2:09 पर आता है और मार्टिनी पीकर चला जाता है, लेकिन आज कुछ अलग हुआ था। वो आज लेट हो गया था क्योंकि आज उसको कैफे में एक लड़की मिली थी। कैली पूछती है क्या आप लोगों को पता है कि क्राइस कहाँ पर गया है। इसके जवाब में एक वेट्रेस बोलती है मैंने उनकी बातें थोड़ी बहुत सुन ली थी, वो दोनों फ्लैग स्टाफ गए हैं। अब इस सब के दौरान एक बंदरगाह पर उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कैसीनो के सिक्योरिटी वाले आदमी को मारकर क्राइस के बारे में पूछ रहा था। वो अपने बुरे लोगों से बात कर रहा होता है, वह किसी को उतारा जा रहा है और वो दिखने में तो एक परमाणु बम जैसा लग रहा है। तभी टाई लगाया हुआ एक आदमी कैसीनो के सिक्योरिटी गार्ड को मारने वाले आदमी से बोलता है हमें जल्द ही क्राइस से छुटकारा पाना चाहिए, पता नहीं पुलिस उस आदमी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्राइस और लिज उत्तर अमेरिका के ग्रैंड कैनियन में बसी एक छोटी सी जगह पर जाते हैं जहां लिज एक हफ्ते में एक बार आकर बच्चों को पढ़ाती है। बच्चे लिज से पूछते हैं क्या क्राइस अंकल आपके बॉयफ्रेंड है, लेकिन लिज सभी को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे फिर भी बोलते हैं हमें तो लगता है कि क्राइस अंकल आपको पसंद करते हैं। फिर क्राइस जेक नाम के एक लड़के के पास जाता है, जेक का आज जन्मदिन है इसलिए क्राइस उसको एक जादू करके दिखाता है। बाद में लिज क्राइस को बोलती है तुम बड़े अजीब हो लेकिन तुम अच्छे भी हो। उसी शाम को जब क्राइस गाड़ी चला रहा होता है लिज गलती से क्राइस के कंधे पर सो जाती है। लिज जाग जाती है क्योंकि आगे रास्ते में बारिश की वजह से पानी भर जाता है। अब इस वजह से दोनों को एक होटल में रुकना पड़ता है, कमरे में एक ही बेड है इसलिए क्राइस जाकर गाड़ी में सो जाता है। अब इसके दौरान ही पुलिस को पता लग गया है कि क्राइस और लिज कौन से हॉस्पिटल में रुके हुए हैं, साथ ही उनको परमाणु बम के बारे में भी पता चल जाता है। उनको 90% भरोसा है कि बम दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। कैली बोलती है कि मैं सभी चीजों का इस्तेमाल करके क्राइस को ढूंढना चाहती हूँ ताकि क्राइस परमाणु बम को ढूंढने में हमारी मदद कर सके, इसलिए पुलिस की एक स्क्वाड को क्राइस को पकड़ने के लिए तैनात कर दिया जाता है। परमाणु बम लाने वाले बुरे लोग FBI पर नजर बनाए रखे हैं, इसलिए वो परमाणु बम को ढूंढने के लिए FBI का पीछा करने का तय करते हैं। होटल में लिज जाकर बाहर आती है, तभी क्राइस लिज को एक गुलाब का फूल देता है और बोलता है तुम बहुत सुंदर हो। उसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। यहाँ होटल की तरफ जाते हुए कैली को उसके ऑफिस से फोन आता है और बताया जाता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। अब यहाँ साथ सोते हुए क्राइस अचानक जाग जाता है और भविष्य में होने वाली कोई चीज उसको दिखाई देती है। कुछ समय बाद FBI होटल पर नजर रखे हुए हैं और तभी लिज होटल के कमरे से बाहर आती है। कैली लिज से मिलती है और दोनों एक कार के अंदर बैठ जाते हैं और दूर से नजर रखते हुए बुरे लोग ये सब कुछ होता हुआ देख रहे होते हैं। तब लिज को वीडियो दिखाई जाती है जिसमें क्राइस ने बंदूक वाले आदमी को रोका था और साथ ही वीडियो में क्राइस बोलता है ये आदमी दो लोगों पर हमला करने वाला था इसलिए मैंने इस आदमी पर हमला किया है। FBI वाले बोलते हैं कि क्राइस गलत चीजें करने वाला एक सनकी इंसान है और ये बात सुनकर लिज बहुत डर जाती है। लिज को एक दवाई दी जाती है और बोला जाता है तुम ये दवाई किसी पीने वाले चीज में डालकर क्राइस को दे देना, इससे वो 5 मिनट के लिए बेहोश हो जाएगा, लेकिन क्राइस को ये दवाई यहां से जाने के सिर्फ 2 मिनट बाद ही दे देना। लिज वापस अंदर जाती है और क्राइस को बोलती है
आप मुंह हाथ धो लो, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। दूसरी तरफ परमाणु बम चुराने वाले लोग भी क्राइस को मारने के लिए तैयार बैठे हैं। दो मिनट बाद ही लिज क्राइस के जूस में दवा डाल देती है, लेकिन जैसे क्राइस जूस पीने वाला होता है तभी लिज क्राइस को जूस पीने से मना करती है और बाहर जो भी हुआ उस बारे में बताती है। क्राइस बिना दवाई वाला जूस का गिलास उठाता है और बाहर बालकनी में चला जाता है। परमाणु बम चुराने वाले गुंडे क्राइस पर गोली नहीं चला पाते हैं क्योंकि वो ठीक से दिख नहीं रहा होता है। अब दूसरी तरफ एफबीआई वाले सोचते हैं कि अब 5 मिनट में क्राइस बेहोश होने वाला है। इसके बाद क्राइस वापस अंदर जाता है और लिज को बताता है कैसीनो में जिस आदमी पर मैंने हमला किया था वो आदमी 2 इंसानों को मारने वाला था, लेकिन असल में ये हो नहीं पाया। लिज को अभी भी लग रहा है कि क्राइस भ्रम का शिकार हो रखा है, इसलिए लिज को अपनी बातों का प्रूफ देने के लिए टीवी पर बोलने वाली बातों को उनके बोलने से पहले खुद ही बोल देता है। वो बोलता है मुझे भविष्य में होने वाली वो सभी चीजें दिखाई देती हैं जो कि कहीं न कहीं मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन मैं 2 मिनट से ज्यादा का भविष्य नहीं देख सकता हूँ, लेकिन तुम ही ऐसे हो जिसको मैंने भविष्य में बहुत पहले देख लिया था। लिज सभी बातें सुनकर चकरा जाती है और पूछती है एफबीआई तुमसे क्या चाहती है, जिसके जवाब में क्राइस बोलता है वो मुझे देश की सुरक्षा से जुड़ा एक काम करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं 2 मिनट से ज्यादा का भविष्य नहीं देख सकता हूँ। फिर क्राइस लिज को $10,000 देता है और एक पेपर पर लिखा एक काम पढ़ने को बोलता है। वो साथ ही बोलता है कि इसको पढ़ने के 45 सेकंड्स बाद ही तुम्हें ये काम करना होगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी हमारे क्राइस की तरह भविष्य में 2 मिनट बाद होने वाली चीजें पता चल जाए तो आप क्या क्या करते हैं, कमेंट से बताइएगा। अब कैली को कोई गड़बड़ी महसूस होती है, इसलिए वो बाहर जाकर क्राइस को देखती है जो कि होटल से बाहर आ ही रहा होता है और कैली की तरफ ही देख रहा है। क्राइस अपनी गाड़ी में देखता है और तभी पहाड़ी के किनारे से नीचे कूद जाता है। एबिया उसका पीछा करने लगती है, लेकिन उसी वक्त गुंडे लोग भी भागते हुए क्राइस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्राइस खुद को सभी गोलियों से बचा लेता है। अब क्राइस का दिया नॉट लिज पड़ती है और फिर बाहर जाकर अपनी कार चालू करती है और कार को चलाकर खाई में गिरने के लिए छोड़ देती है। इसकी वजह से वहाँ पड़े बहुत सारा भारी और बहुत सामान खाई में गिरने लगता है। सभी एफबीआई के लोग क्राइस का पीछा कर रहे होते हैं। फिर उन सभी को ऊपर से गिरती हुई चीजों से बचने के लिए छुपना पड़ता है। हालांकि हमारा हीरो क्राइस तो सभी ऊपर से गिरती हुई चीजों से बच जाता है और वहाँ से भागता रहता है। अचानक कैरी उसके सामने आ जाती है, लेकिन ऊपर से और सामान गिरने लगता है, इसलिए क्राइस कैरी को पकड़ता है और उसको बचा लेता है। उसी समय होटल के पास वाले रोड पर गुंडे लोगों को लिज मिलती है और वो लिज को जबरदस्ती अपने साथ लेके जाते हैं। वैसे तो हमारे हीरो क्राइस ने कैली की जान बचाई है, लेकिन लाखों लोगों की जान बचाने के लिए कैली क्राइस को भागने नहीं देती है। अगले सीन में क्राइस को एक कुर्सी में जबरदस्ती बिठाया जाता है और उसको समाचार सुनाए जा रहे हैं। कैली बोलती है तुम्हें भविष्य में होने वाली चीजों का 2 मिनट पहले ही पता लग जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा और जोर लगाकर परमाणु बम को ढूंढ निकालो। हालांकि उसको बम का तो कुछ दिखता नहीं, पर क्राइस को लिज पार्किंग करने की जगह पर दिखाई देती है और उसको पहियों वाली कुर्सी से बांधा हुआ है और तभी बिल्डिंग में धमाका हो जाता है। कैली पूछती क्या हुआ, लेकिन दुख में होने के बाद भी क्राइस कैली को कुछ और बताता है, क्योंकि अगर क्राइस वो बताएगा जो उसने देखा तो कैली उसको कुर्सी पर ही बैठा के रखेगी। क्राइस को फिर एक जेल में ले जाया जाता है जहां वो एक पहरेदार का ध्यान भटकाने के लिए सिगरेट मांगता है और तभी उन पर हमला करके बेहोश कर देता है। कसिनो की तरह ही क्राइस यहाँ भी किसी को दिखाई नहीं देता और वह छुप कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एफबीआई क्राइस का पीछा कर रही होती है। क्राइस बहुत सारी मंजिलों वाले एक गैरेज में पहुँचता है और फिर सीढ़ियों से ऊपर जाता है। कैली अपने कुछ साथियों को बोलती है तुम लोग यही क्राइस का इंतजार करो, तब तक मैं उसका पीछा करके ऊपर जा रही हूँ। जैसे क्राइस वहाँ ऊपर पहुँचता है वो रुक जाता है। वह कैली भी पहुँचती है और बोलती है मुझे बताओ तुमने भविष्य में क्या देखा। क्राइस बताता है कि 2 घंटों बाद यहाँ पर गुंडे लिज को मारने वाले हैं। तभी कैली बोलती है कि गुंडे लोग लिज को चारा बनाकर तुम्हें गोली मारना चाहते हैं, जिसके जवाब में क्राइस बोलता है मुझे इस बारे में पता है। दोनों बात करते हुए एक दूसरे की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद ही क्राइस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और पास वाली बिल्डिंग पर बैठा गुंडा क्राइस पर गोली चला देता है। फिर क्राइस गोली लग जाने का ड्रामा करने लगता है और तभी बंदूकबाज के पीछे से एफबीआई का हेलीकॉप्टर आता है। बंदूकबाज हेलीकॉप्टर पर गोलियों की बरसात करने लगता है, इसलिए एफबीआई के लोगों को उस बंदूक वाले को मारना पड़ता है। अब क्राइस लिज को बचाना चाहता है, लेकिन उसको कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कैली बोलती है तुम कुछ ऐसी चीजों को ढूंढो जिसकी मदद से हम लिज तक पहुंच सके। क्राइस दिमाग पर जोर लगाता है और भविष्य में लिज के पीछे खड़ी वैन का नंबर पता लगा लेता है। एफबीआई उस वैन के बारे में पता लगा लेती है, वो एक बंदरगाह पर खड़ी होती है, इसलिए एफबीआई क्राइस के साथ मिलकर प्लान बनाती है। क्राइस उनको ऐसा प्लान बताता है जिससे बड़े नुकसानों से बच सकते हैं। अब इस सब के दौरान बंदरगाह में दिखाते हैं, लिज को उसी वैन में डाला जाता है जो कि क्राइस ने पहले ही देखी थी। अब जैसे ही गुंडे लोग वहाँ से वैन को लेकर निकलने वाले होते हैं तभी एफबीआई की बड़ी टीम वहाँ पर पहुँचती है। ये सब देखकर लिज वाली वैन पीछे की तरफ जाने लगती है। अब क्राइस कैली को बोलता है जब मैं बोलूंगा तब तुम वैन पर गोली चलाना ताकि वैन में धमाका होने की जगह वैन आराम से घूमते हुए रुक जाए
और फिर कैली उसके बोलने के हिसाब से गोली चलाती है। अब घूमती वह रुकती है, लिज वहाँ से भागकर पास वाली बिल्डिंग में चली जाती है। अब जिस बिल्डिंग में लिज गई है उस बिल्डिंग की तरफ जाते हुए क्राइस अपने लोगों की मदद करता है, जिसकी वजह से वह आसानी से दुश्मनों के स्नाइपर्स को मार पाते हैं। लेकिन लिज को दोबारा पकड़ ले जाता है और अब की बार लिज को मारने की धमकी देते हुए किडनैपर्स बड़े से जहाज में चले जाते हैं। अंदर गुंडे लोग लेजर में चलने वाला एक बम लगा देते हैं। अब FBI के लोग उस जहाज में पहुंच गए हैं और उस बम के धमाका होने से पहले ही क्राइस ने सब कुछ देख लिया है, इसीलिए वो जल्द ही उस आदमी को ध्यान से चलने को बोलता है जिसकी वजह से बॉम्ब में धमाका हुआ था। वो आगे जा रहे होते हैं और तभी अचानक क्राइस की छाती पर गोली मार दी जाती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं, दोबारा ये सब कुछ क्राइस भविष्य में देख रहा था और अब वो बिल्कुल सही सलामत है। वो FBI के आदमी को इस बारे में बताता है, इसलिए FBI के सिपाही पहले ही उस आदमी को जान से मार देते हैं जो कि आगे चलकर क्राइस को मारने वाला था। अब इतने बड़े जहाज में लिज और लिज को अगवा करने वाले लोगों को ढूंढने के लिए क्राइस अपने दिमाग में होने वाले भविष्य को देखता है और अलग अलग जगह पे जा रहा है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने शरीर को अलग अलग जगहों में भेजने के लिए बांट रहा है। आखिरकार क्राइस को लिज और किडनैपर्स का पता लग ही जाता है, इसलिए क्राइस और FBI के लोग उनकी तलाश में आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी उनको लिज मिल जाती है। अगवा करने वाले लोग बोलते हैं, अगर तुम हमारे पास आओगे तो हम इस लड़की को गोली मार देंगे। फिर क्राइस धमकी देने वाले उस आदमी को बोलता है, मैंने भविष्य में तुम्हारे साथ होने वाली अलग अलग चीजें देख ली है और उसमें से कोई भी चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें लिज को जाने देना चाहिए। लेकिन किडनैपर बोलता है, कोई बात नहीं भाई, जो होगा वो देखा जाएगा, पर मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। क्राइस उनकी तरफ जाने लगता है और अगवा करने वाले आदमी क्राइस पर गोली की बौछार कर देते हैं, लेकिन क्राइस की खास शक्तियों की वजह से वो सभी गोलियों से खुद को बचा लेता है। अब जैसे ही गुंडे की बंदूक की सभी गोलियां खत्म हो जाती है, वो एक रिमोट उठाकर बोलता है, अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं ये बॉम्ब का बटन दबा दूंगा जो कि लिज के शरीर पर लगा हुआ है। लेकिन कैली अपना दिमाग का इस्तेमाल करती है और मौका मिलते ही उस आदमी को से मार देती है। अब क्राइस लिज को शांत करने के लिए बोलता रहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम सही सलामत हो। लेकिन तभी कैली बीच में टोकते बोलती है, नहीं क्राइस, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जाहिर तौर पर परमाणु बॉम्ब को कहीं और ले जाया जा चुका है और जल्द ही FBI को उस बॉम्ब का पता लगाना होगा। जब क्राइस एक कंप्यूटर देखता है जो कि आसपास होने वाले धमाकों का पता लगाता है, उसको भविष्य में होने वाली चीजें दिखाई देने लगती है। वो बोलता है, मुझे लग रहा है कि कुछ तो गलत होने वाला है। और कैली पूछती है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? क्राइस बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और साथ ही चिल्लाते हुए बोलता है, धमाका बिल्कुल अभी होने वाला है। और तभी परमाणु बॉम्ब में धमाका हो जाता है। अब कुछ पर बाद दिखाया जाता है कि क्राइस होटल के कमरे में लेटा हुआ है और वो अभी तक सभी चीजें भविष्य में होने वाली देख रहा था। वो जल्दी कैली को कॉल करके बताता है और बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन लिज इन सभी चीजों से बाहर रहेगी। वो लिज को जगाने के बाद बोलता है, मेरी जान, मुझे किसी और जरूरी काम से जाना है, लेकिन अगर तुम इंतजार कर सकोगी तो मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। कैली क्राइस के पास आती है और पूछती है, क्या तुम तैयार हो? जिसके जवाब में कैरिस बोलता है, हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ हम भी तैयार हैं अलविदा लेने के लिए।